दोस्तों अब इतने बजे फिर खेला जाएगा पाकिस्तान नीदरलैंड के बीच होने वाला तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी और कितने बजे फिर खेला जाएगा तीसरा वनडे मुकाबला, सब कुछ बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम नीदरलैंड को 3-0 से सीरीज में क्लीन स्वीप कर दे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच इस समय 3 मैचों की वनडे श्रृंखला खेली जा रही है और ऐसे में अब तक इस श्रृंखला के 2 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं। तो वही दोस्तों आपको बता दें कि पहला वनडे मुकाबला 16 अगस्त को खेला गया था और इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने नीदरलैंड को 16 रनों से हराया था। तो वही दूसरा वनडे मुकाबला 18 अगस्त को खेला गया था और इस मुकाबले में एक बार फिर पाकिस्तान की टीम ने नीदरलैंड को 7 विकेट के बड़े अंतर से हराया था और ऐसे में अब पाकिस्तान की टीम ने यह सीरीज अपने नाम कर लिया है। तो अब ऐसे में पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला खेला जाने वाला है और ऐसे में अगर पाकिस्तान की टीम तीसरे वनडे मुकाबला अपने नाम कर लेती है तो नीदरलैंड को सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर देगी। और ऐसे में आपको बता दें कि तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला 21 अगस्त को खेला जाने वाला है और ऐसे में जैसे कि आपको पता है कि पहला और दूसरा वनडे मुकाबला 2:30 बजे से खेला गया था तो ऐसे में एक बार फिर तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला 2:30 बजे से ही खेला जाने वाला है। जी हां दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें इस मुकाबले का टॉस 2 बजे होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला जीतकर नीदरलैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।